Hello everyone this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. I have been teaching subjects like economics, statistics, econometrics here at prime academy since 1996. Today in this video I am going to discuss with you the new syllabus of intermediate microeconomics 2 BA economics honours Delhi university semester 4. देखिए 2024 में आके अभी डी ने अपना नया सिलेबस लॉन्च किया है सेमेस्टर फोर के लिए सभी कोर्सेज का सिलेबस चेंज कर दिया है तो माइक्रो का जो नया सिलेबस है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम आपको अपनी कोचिंग में क्या प्रोवाइड करते हैं हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो का नया सिलेबस के लिए आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है राइट और एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा ये सब बातें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे आना होगा वेबसाइट है डब्ल्यू डॉट प्राइम अकेडमी डॉट इन जो मैंने खोल के दिए वेबसाइट यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे नीचे मैंने लिंक लगाया हुआ है मतलब नाम लिखा हुआ है वहाँ से जाके गूगल पे लिखेंगे मिल जाएगी वेबसाइट आपको यहाँ पे मेन्यू ऑप्शन में आप आएंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स डी यू उसके अंदर इको ऑनर्स सेमेस्टर फोर और इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स टू क्लिक कर देंगे इस पर आप तो इस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपके सामने सेमेस्टर फोर का माइक्रो का सब डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है तो देखिए जैसे हम लोग अपनी कोचिंग में आपको प्रोवाइड करते हैं क्या हम आपको प्रोवाइड करेंगे फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स ये जो वीडियो लेक्चर्स है इसमें क्या मिलेगा आपको जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके कंसेप्चुअल वीडियोज़ मिलेंगे उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं उन सबके वीडियोस मिलेंगे न्यूमेरिकल्स जो आ सकते हैं या जो पास्ट ईयर्स में डी ने एग्जाम में पूछे हैं जैसे बताया मैं नाइनटी सिक्स यहाँ पे पढ़ाता हूं तो जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इस टॉपिक टॉपिक वाइज हमने फिल्टर करके अपने पीडीएफ में लगा रखे होते हैं पीडीएफ आपको आगे दिखाऊंगा उन सब के सॉल्यूशंस आपको वीडियोज में मिल जाएंगे जो आपकी रीडिंग्स डी यू ने लगवाएंगे रीडिंग्स दिखाऊंगा अभी कौन सी हैं उन रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको वीडियोज में मिल जाएंगे और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हमको लगता है क्योंकि माइक्रो पेपर मेनली न्यूमेरिकल पेपर होता है ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं तो जो भी न्यूमेरिकल हमको लगते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जैसे कभी डी में एम इकोनॉमिक्स में आए हैं या और किसी यूनिवर्सिटी में पी लेवल पर आए हुए हैं हमको लगता है ये क्वेश्चन बच्चे को कराना चाहिए वो अपनी पी में ऐड कर लेते हैं और वीडियो में सॉल्व करके आपको दे देते हैं राइट right? इसके अलावा आपको क्या मिलेगा आपको मिलेंगे कंप्लीट पीडीएफ नोट्स पीडीएफ नोट्स जो हैं मैं बता चुका हूँ आपको उसके अंदर आपको अभी आप दिखाऊंगा एक पीडीएफ फर्स्ट चैप्टर का उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं थियेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं न्यूमेरिकल मिलते हैं पास्ट ईयर से क्वेश्चन सब आप वहाँ वा पर अवेलेबल होते हैं इसके अलावा जब आप वीडियो से पढ़ते हैं तो आपके कुछ क्वेरीज आते हैं क्वेरीज़ के लिए हम लोग लाइव ऑनलाइन डाउट सेशंस रखते हैं ठीक है अब उसमें आप आकर अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं आप अपनी क्वेरी हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई छोटी सी बात है व्हाट्सअप करेंगे हम रिवर्ट कर देंगे कॉल करके पूछ सकते हैं वेबसाइट पे हमारा एक फोरम होता है बोलते हैं डिस्कशन फोरम वहां पे अपनी क्वेरी आप पोस्ट कर सकते हैं वहां पे आप बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ भी आपकी क्वेरीज आप डिस्कस कर सकते हैं प्लस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव आ, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसमें हम लोग एमसीू टेस्ट प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एम टेस्ट जो है अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो वहीं के वहीं आपको तुरंत ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपने क्या सही किया क्या गलत किया वहाँ मिल जाएगा और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया है क्या क्या आपने गलतियाँ की सब नजर आएगा फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा और सब्जेक्टिव टेस्ट भी वहाँ पर वेबसाइट पर लगा दिए हैं सब्जेक्टिव आपने जो चैप्टर किया उसका टेस्ट नंबर वन टेस्ट नंबर टू टेस्ट नंबर थ्री ऐसे करके टेस्ट लगा रखे आप सब्जेक्टिव टेस्ट के पी को डाउनलोड करेंगे उसको सॉल्व करेंगे और उसकी फोटो खींच के सोल्यूशंस की हमको भेज देंगे मेल पे या व्हाट्सएप पे मैं उसको पर्सनली चेक करूंगा और आपको रिवर्ट करूंगा कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया या क्या इंप्रूवमेंट का स्कोप है राइट right? तो ये सब फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे लेक्चर्स आप चला सकते हैं विंडोज uh, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे एंड्रॉइड फोन पे टैबलेट पे मैकबुक पे आईपैड पे आईफोन पे जिस डिवाइस पे चाहे उस पर चला सकते हैं ठीक है जी अब थोड़ा और आगे चलते हैं ये देखिए यहाँ पे हमने डेमो लेक्चर्स लगाए हैं कुछ और लेक्चर्स मैं टाइम टू टाइम ऐड कर दूंगा अभी डेमो लेक्चर्स क्योंकि अभी नया सिलेबस आया है हम नए लेक्चर्स और रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ और लेक्चर्स में यहाँ पे ऐड करूंगा अभी डेमो के तौर पे अभी इनिशियली कुछ लेक्चर्स हमने ऐड किए जैसे मैं टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा था तो मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं जो आपने चैप्टर मान लीजिए एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ लिया है तो आप यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर ये टेस्ट सीरीज़ का पेज लगा होता है मैंने सिर्फ यहाँ पे एक टेस्ट लगाया आपको दिखाने के लिए आप टेस्ट स्टार्ट करते हैं यहां आप से आपका नाम वगैरह पूछता है आप नाम डालेंगे इसमें नाम डाल देता हूँ अपना ईमेल डाल देता हूँ और फोन नंबर डाल देता हूँ आपसे नहीं पूछेगा ये जब आप क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब हैं तो आपसे नहीं पूछेगा ये क्योंकि अभी ये पेज ऐसा है जहाँ पर कोई भी आके एंटर कर सकता है तो उसके लिए ये, ये रिक्वायरमेंट मांगता है अदरवाइज जब आप लॉग इन करते हैं तो आपसे कुछ नहीं पूछता बस आप स्टार्ट करेंगे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा ठीक है टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया ऊपर टाइमर चल रहा है दस मिनट का टाइम है ये टाइमर चल रहा है यहाँ पर ठीक है अपने आप टाइम चलता रहेगा आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आप जिस क्वेश्चन पर चाहेंगे जो आंसर आपको आता है उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से आगे जाते जाएंगे एंड में आपको रिजल्ट दे देगा और रिज़ल्ट के साथ आपको ये दे, दे देगा आपने क्या क्या क्वेश्चन सही किया क्या क्या गलत किया और हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने टेस्ट अटैम्प्ट किया था वाला ठीक है फ़िलहाल इस पेज को मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर इसमें मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर का पी हमने यहाँ पे लगा रखा है आप यहाँ क्लिक करेंगे फर्स्ट चैप्टर का पी खुल जाएगा आपके पास आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं चैप्टर वन का पीडीएफ आपके लिए वैसे ही अवेलेबल है बाकी सारे जो पीडीएफ्स हैं वो जब आप ज्वाइन करते हैं कोर्स सब्सक्राइब करेंगे तो वेबसाइट के थ्रू तो आपको मिल जाएंगे सभी पीडीएफ्स इसमें देखिए आपको जैसे मैंने बताया था आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को हमने लिख के दिया हुआ है जैसे बात मोनोपली की हुई चैप्टर वन की तो मोनोपली क्या होती है उसके फीचर्स क्या हैं मोनोपली के कॉजेज़ क्या हैं कौन कौन से बैरियर्स होते हैं मोनोपली के यूमोनॉपी क्रिएट करते हैं या और बाकी सारे जो कंसेप्ट हमने सब यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं ताकि जो बच्चा लिखना नहीं चाहता तो उसको नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं तो आप इन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ जहाँ पे जैसे फर्स्ट कंसेप्ट जब खत्म होगा अभी कंसेप्ट चल रहा है कंसेप्ट खत्म होगा तो यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाएगी इस एक्सरसाइज में थियोरटिक क्वेश्चंस भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी न्यूमेरिकल्स के आंसर नीचे लिखे हुए हैं सोल्यूशन सबके वीडियोज़ के अंदर है ठीक है ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएंगे जैसे अगर कोई क्वेश्चन सेम है इसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सेम है बस डेटा का डिफरेंस है तो फर्स्ट सॉल्व कर दिया सेकंड छोड़ दिया आपके लिए ताकि आप उसको अटैम्प्ट कर सकें इस तरह से फिर आगे गोइंग फॉरवर्ड जितने भी इसमें मेरे ख्याल से ये ट्वेंटी नाइन पेजेस का अभी हम ट्वेल्थ पेज में ऐसे ही चलते जाएंगे आगे कंसेप्ट आते जाएंगे कंसेप्ट खत्म होगा उसके क्वेश्चन आ जाएंगे फिर नेक्स्ट कंसेप्ट फिर उसके क्वेश्चन इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे पूरा आपके पास पी वहीं पर वेबसाइट पर अवेलेबल है आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको इस तरह से सभी चैप्टर्स के पी आपको मिलेंगे जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं वो जानते हैं और आपको जो नई रीडिंग लिस्ट चाहिए वो भी यहाँ पे हमने लिंक लगा रखा है इस लिंक पे क्लिक करेंगे क्लिक हेयर फॉर रीडिंग लिस्ट ऑफ इंटरमीडिएट माइक्रो तो आपको रीडिंग लिस्ट मिल जाएगी डी यू ने इशू की है अब आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर डी यू ने एग्जामिनेशन पैटर्न क्या दिया है नया माइक्रो के लिए देखिए क्वेश्चन पेपर नाइन्टी मार्क्स का होगा पाँच यूनिट डी यू ने दी है सिलेबस अभी दिखाऊंगा आपको पाँच यूनिट है फर्स्ट यूनिट ट्वेंटी परसेंट मार्क्स की है यानी नाइन्टी में से ट्वेंटी परसेंट कितना होता है एटीन मार्क्स की फर्स्ट यूनिट है सेकेंड यूनिट थर्ट ट्वेंटी सेवन मार्क्स की है थर्ड यूनिट नाइन मार्क्स की है फोर्थ और फिफ्थ एटीन एटीन नीचे इनमें फाइव परसेंटेज पॉइंट्स का ड्यू कह रहे डिफरेंस हो सकता है यानी फोर पॉइंट फाइव मार्क्स प्लस माइनस कर सकते हैं जो एटीन की है वो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव भी जा सकती है थर्टीन पॉइंट फाइव भी आ सकती है लेकिन ये सब लिखने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ करेंगे क्या वो उन्होंने देखो पेपर पैटर्न क्या दिया है उन्होंने बोला कि या तो फर्स्ट टू क्वेश्चन कंपलसरी होंगे बाद के पाँच में से तीन करने होंगे यानी आपको टोटल फाइव क्वेश्चन करने होंगे या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है वो सात क्वेश्चन देंगे और पूरी चॉइस आपकी है सात में से डू एनी फाइव पांच ही करने हैं फर्स्ट पैटर्न में क्या बोल रहा है कि दो क्वेश्चन कंपलसरी कर देगा ठीक है और बोलेगा बाकी पांच में से कोई तीन कीजिए मतलब आपको पांच क्वेश्चन करने होंगे इन ऑल मगर तो दो कंपलसरी मिलेंगे या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपको वो सेवन क्वेश्चन दे दें दे और बोलेंगे डू एनी फाइव तो चॉइस आपकी हो जाएगी फिर कुछ भी कंपलसरी नहीं है पांच क्वेश्चन करने वाले हैं इसका मतलब यह है कि हर क्वेश्चन एटीन मार्क्स का होगा यानी यूनिट वन का क्वेश्चन एटीन मार्क्स का आएगा यूनिट फोर का क्वेश्चन एटीन मार्क्स का आएगा यूनिट फाइव का क्वेश्चन एटीन मार्क्स का आएगा यूनिट टू जो है उसका एक क्वेश्चन एटीन का आएगा और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें नाइन मार्क्स का यूनिट टू होगा नाइन मार्क्स का यूनिट थ्री होगा ठीक है यहीं थोड़ा बहुत वो हेल्पफुल कर सकते हैं इसी में यूनिट टू और थ्री में थोड़ा सा यूनिट थ्री को थोड़ा वेटेज कभी बढ़ा लें नाइन की जगह उसको ट्वेल्व कर दें इसको ट्वेंटी सेवन की जगह थोड़ा कम कर लें वही एडजस्टमेंट का स्कोप बाकी सब जगह तो मुझे लग रहा है वो एटीन एटीन मार्क्स का वाला रहेगा सिस्टम एक क्वेश्चन एक यूनिट का आ जाएगा ठीक है ये बात हो गई अब बुक्स कौन सी पढ़नी है हमको हमको प्राइमरिटी दो बुक्स पढ़नी है जो आपने थर्ड सेमर में भी पढ़ी थी एक तो सेरानो फेल्डमैन और दूसरी ए एम जी तो ये दो बुक्स तो पढ़नी है इसके अलावा ये जो बाकी बुक्स हैं इससे आपको न्यूमेरिकल्स करने को उसने बोला है तो हमने ये न्यूमेरिकल्स भी करके आपको दिखाएं जहाँ जहाँ उसने जो बुक्स को बोला हमने वो न्यूमेरिकल करके आपको वीडियोज़ में दे दी राइट अब सिलेबस पे अगर आ जाए तो जैसे मैंने बताया हमारी पांच यूनिट्स हैं और पहली यूनिट है मोनोपली मोनोपली के बारे में दो चैप्टर्स हमको यहाँ से पढ़ने हैं दोनों पढ़ने ए एम जिसे चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर इलेवन सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा अभी क्योंकि वो तो जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा मोनोपली क्या होती है उसके फीचर्स क्या है या और जो भी उसके आस्पेक्ट हैं सब यहाँ पे आपको पढ़ने होंगे दो चैप्टर से पहला मोनोपली के ऊपर है दूसरा भी मनोपली मगर उसमें एक स्पेशल सिचुएशन होती है बोलते हैं क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे सिंगल सेलर जो होता है अलग अलग बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है उसमें भी तीन सिचुएशंस हैं फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री एक टॉपिक बोलते हैं बंडलिंग जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं अगर आप ये लेंगे तो ये फ्री मिलेगा तो मतलब प्राइमरी गुड आप खरीदेंगे तो सेकेंडरी गुड आपको फ्री मिलेगा लेकिन सेकेंडरी उसके बिना नहीं मिलेगा ठीक है तो फ्री के चक्कर में लोग क्या करते हैं वो गुड खरीदते हैं तो बंडलिंग बोलते हैं उसको ठीक है तो बंडलिंग कैसे कर सकता है मनोप्लिस्ट वो सब है इसके बाद सबसे जो बड़ी यूनिट है यूनिट टू है जनरल इक्विब्रियम ये बहुत बड़ा टॉपिक है जनरल इक्विब्रियम ठीक है तो इसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया लेक्चर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स और भी हैं जो मैं डिस्कस अभी वीडियोस लगा रहा हूं क्योंकि जस्ट अभी सिलेबस आया तो हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए थे पहले से रीडिंग्सम को पहले मालूम थी क्या क्या लगने वाली हैं लेक्चर्स हमने पहले से रिकॉर्ड करने स्टार्ट कर दिए थे तो अब कुछ जो चेंजेस थोड़े बहुत हुए हैं उनके और आगे लेक्चर्स में रिकॉर्ड करें लेकिन बहुत डिटेल में लेक्चर सीरीज आपको इसकी मिलने वाली है लगभग फोर मिनट्स और जब तक ये सब कुछ कंप्लीट होगा मुझे लग रहा है फाइव मिनट्स को क्रॉस करेगा ये चैप्टर जो है ये टॉपिक जो है ठीक है इसके बाद यूनिट थ्री में मोनोप्लास्टिक कंपटीशन आता है इसको आप ओलिगोपोली के नाम से उसका एक पार्ट है ओलीगोपोली जिसमें आप पढ़ते हैं क्या कुरॉट मॉडल बर्ट्रेंड मॉडल स्टैकलबर्ग मॉडल प्राइस लीडरशिप ये सब चीजें यहाँ पे आने वाली हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंट रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है वेटेज कम रखिए पता नहीं क्यों टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है वेटेज टेन परसेंट क्यों रखी है गॉड नोज उसके बाद आता है एक्सटर्नैलिटीज का टॉपिक यूनिट फोर में एक्सनैलिटीज मतलब आपका पड़ोसी अगर अपने घर के बाहर खुशबूदार एक फूलों का बगीचा लगाता है तो आपको बिना कुछ किए ही फायदा मिलता है पॉजिटिव एक्सनैलिटी या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी का पड़ोसी उसके घर में अपने घर में फैक्ट्री खोल लेता है दिन रात जहाँ पे शोर पॉल्यूशन धुआं ये सब चल रहा होता है नेगेटिव एक्सनैलिटी है तो दूसरे के कारण हमको जो फ़ायदा नुकसान हो रहा है वो एक्सनैलिटी है ठीक है उस एक्सनैलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है हमको वो सब यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया आपके साथ और ये भी ट्वेंटी परसेंट यानी एटीन मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और लास्ट है पब्लिक गुड्स जैसे आप समझते हैं जो आप ऐसा कह सकते हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है जैसे गवर्नमेंट रोड्स प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है एजुकेशन प्रोवाइड करती है और बहुत सारी चीज़ें और एक मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है ठीक है पब्लिक गुड्स की एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ से शुरू हो रहा है ये आगे जाके एक पूरा सब्जेक्ट बनकर आएगा पब्लिक इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे एक चैप्टर के तौर पे पढ़ रहे हैं आगे सेमेस्टर फाइव में जाके एक सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा पब्लिक इकोनॉमिक्स के नाम से तो वहाँ बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे बस तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि जिससे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट फ्री में हमको प्रोवाइड करती है ठीक है गवर्नमेंट और फ्री ये चीज़ें जो है मैंने एज ए एडजेक्टिव यूज़ किए हैं तो इनको हम आगे जाके इनको क्वालीफाई करेंगे मतलब इनके बारे में और डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किन किन को पब्लिक गुड हम कह सकते हैं या किन को नहीं कह सकते हैं उसकी भी कुछ क्लासीफिकेशन आएंगी तो ये पूरा हमारा डिटेल सिलेबस है और ये हमारी लेक्चर सीरीज़ है अभी जो लेक्चर्स हमने आपको यहाँ टाइम मिनट्स लगा कर दिए हैं ये वो हैं जो अब तक मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ और क्योंकि सिलेबस नया आया है हम रिकॉर्डिंग पे अभी भी लगे हुए हैं ठीक है तो ग्रेजुअली ये चीज़ें बढ़ेंगी ऐड होंगी और लगभग लगभग सिक्सटी लग टू सेवेंटी आर्ट्स के बीच में जाके कहीं ये सिलेबस हमारा कम्प्लीट होगा तो सिक्सटी सेवनटी आर्ट्स के आपके पास लेक्चर्स होंगे मैंने बता दिया आपको उसके अलावा जो पास्ट पास्टियर्स हैं उसके भी वीडियोज मैंने लगा दिए हैं उसमें करा यह है कि अब कुछ टॉपिक्स जो पास्ट पास्टियर्स में थे अब सिलेबस से डिलीट हो गए मैंने उसका वीडियो डिलीट नहीं करा वीडियो में लिख दिया जहाँ क्वेश्चन वो स्टार्ट हुआ जो क्वेश्चन हमारे कोर्स हट गया मैंने लिख दिया दिस क्वेश्चन हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस इतनी बात लिख दी उसमें ताकि आप उसको स्किप करके आगे जाना चाहें आगे जा चले जाएँ कुछ बच्चे होते हैं नहीं सर मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को आगे हो सकता है जरूरत पड़े कुछ टॉपिक्स सिलेबस से, से हट गए हैं लेकिन मैं अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता हूँ तो मैंने वीडियो से हटाया नहीं उसको लगा दिए पी वाई क्यू उसके अंदर ठीक है ट्वेंटी सेवनटीन से लेके और अभी ट्वेंटी टू यहाँ पर ट्वेंटी थ्री लिखा नहीं है ट्वेंटी थ्री तक के वीडियोज के सभी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू सबके सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ट्वेंटी ट्वेंटी में पेपर सेवन फोर का हुआ नहीं था कोविड की वजह से राइट क्लियर है तो ये पूरा डिस्कशन है हमारे सिलेबस का इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स टू बी ए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर फोर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी होली होपफुली इतनी बात आप लोग समझ गए हैं फिर भी कोई क्वेरी है कुछ ऐसा है जो कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन एट नाइन नाइन वन नाइन टू जीरो टू सेवन ये ऊपर भी चल रहा है स्लाइड चल रहा है ऊपर इसमें भी मेरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ से आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके मेरे साथ अपनी कोई भी क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हैं राइट ओके थैंक यू